There is nothing more powerful than to know and declare that God of heaven knows us and loves us. God demonstrated his love for us by dying on the cross for our sins. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Indeed, it's such a great privilege to me that God has given me to share today's Bible study with you all once again. और जैसा कि हमने अभी तक देखते हुए आए हैं honesty के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर हमारा पहला पार्ट, हमारा दूसरा पार्ट और आज जो तीसरा पार्ट और जो आखिरी पार्ट जो मैं इस बाइबल स्टडी के टॉपिक के लिए लेने जा रहा हूँ वो सेम पैसेज में से ही लिया गया है, फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 8-9। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बाइबल स्टडी के लिए द सिग्निफिकेंट मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी, और जिसमें हमने देखा था कि जो बिब्लिकल मीनिंग है ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, वो क्या क्या था, और सिंसियरिटी उसमें हमने देखी। उसके अंदर हमने देखा कि एक अपराइटनेस होता है, खरापन होता है, वो झूठ नहीं होता। और फिर यहाँ पर देखा था टू वॉक इन द लाइट, कि हम कैसे प्रकाश में चलते हैं, और इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ों को देखा था। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने देखा था कि गॉड एग्जामिन्स आवर ऑनेस्टी, द वेज ऑफ गॉड टू एग्जामिन आवर ऑनेस्टी, कि परमेश्वर कैसे हमारी ईमानदारी की परीक्षा लेता है, जिसमें हमने आदम और हवा की हमने स्टोरी देखी थी और उनका स्टेटमेंट देखा था कि वो कैसे परमेश्वर के आगे अपने स्टेटमेंट को देते हैं जो कि बिल्कुल भी ईमानदार एक स्टेटमेंट नहीं था। फिर एक दूसरे पे वो ब्लेम लगा रहे थे। फिर हमने देखा था कैन और हाबिल का, कि हाबिल ने कैन ने कैसे हाबिल को मारा और कैसे उसको गाड़ दिया। और जब परमेश्वर ने पूछा कि हाबिल कहाँ है, तो कैन का जो जवाब था परमेश्वर को वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट, एक डिसऑनेस्ट वे के अंदर था। फिर हमने सैमरिटन वुमेन को और बर्तिमाई को देखा, और हमने ये भी देखा कि जब इनकी लाइफ को हमने कंपेयर किया तो देखा जब इन्होंने ईमानदारी के साथ अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया और एक उस प्रतिउत्तर को, एक रेस्पॉन्स को ईमानदारी के साथ दिया, तो परमेश्वर ने इनको सल्वेशन को दिया और परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में इनके जीवन में एक मिरेकल के रूप में, एक 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 चमत्कार के रूप में इनके लिए काम किया। और फिर देखा था द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी है वो क्या है, और हमने देखा था कि ये मार्गदर्शन करता है। और हमने फिर देखा था कि ये इट इज़ द विल ऑफ गॉड, और ये परमेश्वर को हमारे समीप लेके आता है और हम परमेश्वर के समीप इसके द्वारा जाते हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ों को हमने अपने पिछले एपिसोड में, यानी पिछले हमने बाइबल स्टडी के अंदर देखा था। और आज जो हम तीसरा जो एपिसोड है, या तीसरा आप कह सकते हैं बाइबल पार्ट है, और वो ऑनेस्टी के ऊपर ही है। और आज हम देखेंगे वी आर नॉट ऑनेस्ट दैट व्हाट हैपन इन आवर लाइफ, यदि जब हम ईमानदार नहीं होते तो हमारे जीवन में क्या होता है। आइए हम आज की बाइबल स्टडी को शुरू करने से पहले खुदावंत से प्रार्थना मांगे। थैंक यू डियर ग्रेशियस हेवनली फादर फॉर द वंडरफुल टाइम दैट यू हैव गिवन अस अ लॉर्ड टू स्पेंड आवर टाइम इन योर प्रेजेंस, एंड लॉर्ड आल्सो गिव अस द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन सो एज योर सर्वेंट इज गोइंग टू शेयर योर वर्ड्स
to the congregation, Lord, so we may grab your words, open our heart, mind and soul, and we may glorify your name on high, O Lord, throughout this Bible session. Thank you, God, for each and everything you will be done in our lives. Thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, आज जो हम देखेंगे कि यदि जब हम ईमानदार नहीं होते तो हमारे जीवन में क्या होता है, किस तरीके से जो शैतान है हमारे जीवन को अपने हाथों में ले लेता है। और सबसे पहला जो हम चीज देखते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है कि इफ वी आर नॉट ऑनेस्ट दैट व्हाट हैपन, शैतान सोज द सीड ऑफ लाई। जो शैतान है हमारे जीवन में क्या करता है, झूठ के बीज को बोना शुरू करता है। और हम इसको देखते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय उसका 2वां और 3वां वचन, जहां पर पत्रस कहता है, हे हनन्या, शैतान को तूने अपने मन में ये बात क्यों डालने दी कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने के लिए धन में से थोड़ा सा बचाकर रख लिया। नाउ Ananias, the biblical character, he told lie before God and the Spirit of God, and he was completely defiled by his spirit. और वो अपनी आत्मा के द्वारा या अपनी आत्मा के अंदर वो क्या हो गया था, पूरा शुद्ध हो गया था। क्यों? क्योंकि शैतान को उसने आमंत्रित किया अपने जीवन में एक थोड़े से लालच के लिए, और वहां पर वो ईमानदार नहीं रहा। वो चाहता तो ईमानदारी से बता सकता था और ईमानदारी से अपनी सारी चीजों को जो उसने अर्न करी थी उस जमीन को बेचने के लिए के साथ वो परमेश्वर को समर्पित कर सकता था, प्रेरितों को समर्पित कर सकता था। मगर यहाँ पर छोटे से लालच के लिए उसने उन पैसों को बचाया, छोटे से लालच के लिए उसने शैतान को आमंत्रित किया कि वो मेरे जीवन में आए और झूठ के बीज को मेरे अंदर बो दे। और यहाँ पर यही हुआ, he sold out his spirit into the hands of Satan instead of God। उसने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया बजाय इसके कि उसको ये चाहिए था कि वो परमेश्वर को अपने आप को देता, और झूठ बोल रहा था। And he was telling a lie before the spirit of the Lord। क्या परमेश्वर की आत्मा, क्या परमेश्वर कुछ नहीं जानता, वो ऐसा कैसे कर रहा था? Because Satan covered his eyes with the blindness, अंधेपने के साथ जो शैतान था उसने उसकी आंखों को बांध दिया था। और यहां पर वो अपना लालच उसके अंदर देख रहा हो सकता है, वो अपने लालच को पूरा करना मांग रहा होगा, और उसने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो मर गया, है ना, वो मर गया, खत्म हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई। परमेश्वर को उसने ग्लोरी नहीं दी, परमेश्वर को उसने झूठा ठहराया, परमेश्वर को उसने अपवित्र कर दिया। एंड दैट्स व्हाई ही वॉज डेड ऑन द स्पॉट, और वो वहां पे खत्म हो गया। अपनी लाइफ, उसकी जो लाइफ थी वो चली गई उसके पास। और यहां पर एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस अजीजों हमें देखने को यही मिलता है कि परमेश्वर से झूठ बोलना, है ना, जब शैतान हमारे जीवन में उस बीज को बोता है तो हमारे जीवन को परमेश्वर के आगे ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि किसी का भी कार्य उसके अंदर ना हो, बल्कि एक अच्छी भूमि के रूप में परमेश्वर के सामने हमारा जीवन होना जरूरी है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य को करे, ताकि परमेश्वर का जो वचन जो हमारे जीवन में है, जो बीज के समान जो कार्य करता है, एक सीड के समान जो कार्य करता है, अच्छे एक फल को लाने वाला हो सके। और यहां पर झूठ से क्या है, परमेश्वर को हम निंदित करते हैं, परमेश्वर को हम अपमानित करते हैं। और जब यहां पर देखते हैं जॉन चैप्टर 8:44, और यहां पर को कहा गया है सैटन इज द फादर ऑफ लायर्स। जो शैतान है वो क्या है, झूठों का पिता है।
They all belong to devil, especially we all are the darling children of God. And this is the wonderful privilege that really God has given us through Jesus Christ. And that's why Jesus accepted us as his darling children through Jesus Christ. When we invite Jesus Christ into our life and he comes in our life and he blesses us abundantly. But instead of Jesus Christ, we start to compromise our life with the lying, with the greed, with the covetousness, and that's why the destruction comes in our life and it defiles our soul, it defiles our spirit, and it defiles our wholeness. हमारी हर चीजों को वो अशुद्ध कर देता है. और परमेश्वर जो हमारा पिता है उसकी जगह शैतान उन झूठों का पिता बन जाता है जो झूठ बोलते हैं परमेश्वर के आगे, जो बलवा करते हैं और फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतते हैं अपने जीवन में और परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन के अंदर नहीं रहती. इसी से सबसे बड़ी बात यह है कि हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं. अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम सच्चे हैं, तो परमेश्वर हमारा पिता है, शैतान नहीं. और अगर हम ईमानदार और सच्चे नहीं है अपने जीवन में, या झूठ बोलकर हम दूसरों को फंसाते हैं, या किसी के विरुद्ध में हम झूठी बातें बोलते हैं, या किसी के विरुद्ध हम गड्ढा खोदते हैं ताकि वो उसमें गिर जाए, ताकि वो हमसे नीचा हो जाए, अपनी बातों को, झूठी बातों को प्रूव करने के लिए हम सारे काम कर देते हैं परमेश्वर के आगे, तो क्या परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता? वो देखता है, वो समय का इंतजार करता है. और मैं आपको यकीन के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो और ऐसे लोग जो झूठे हैं, जो झूठ गढ़ते हैं, जिनकी मन के अंदर झूठ उत्पन्न होता है और जो दूसरों को भी झूठ बोलना सिखाते हैं, जो दूसरों को भी क्या करते हैं, दूसरों को भी जो डिफाइल अशुद्ध करते हैं, इसके कारण हर एक उनका भाग परमेश्वर के सामने मौजूद है. दे ऑल विल बी अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड गॉड विल टेक द अकाउंट फ्रॉम देम. और परमेश्वर उनसे अकाउंट को लेगा, परमेश्वर उनसे लेखे को लेगा. और फिर ऐसे लोग परमेश्वर के आगे खड़े नहीं रह पाएंगे. उसी समय ऐसे लोग परमेश्वर के आगे कभी भी खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो खड़े नहीं है, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है अपने जीवन में. इसलिए मैंने पहले भी बताया था, कौन परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा रह सकता है? जो कि खरी चाल को चलता है और परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी करता है. परमेश्वर की इच्छा तोड़ने की नहीं होती अजीजों, परमेश्वर की इच्छा जोड़ने की है. सबको वो अपने प्रेजेंस के अंदर जोड़ता है. तो क्या हमारा पिता परमेश्वर है, या हम उस कैटेगरी में आते हैं, झूठों की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर हम शैतान को अपना पिता बना बैठते हैं? और ये सब प्रकाशित वाक्य में है, वी कैन नॉट एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एट ऑल. हम नहीं परमेश्वर की प्रेजेंस में आ सकते. और हम शैतान के स्लेव्स हो जाते हैं. विल बिकम द स्लेव्स ऑफ सैटन. हम उसके दास हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को हम आमंत्रित अपने जीवन में नहीं करते. हम मौका देते हैं कि शैतान हमारे जीवन में बीज को बोए, झूठ के बीज को बोए. और दिखने में तो वो बहुत ही मनभावना होता है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन अपीरियंस, बट द कॉन्सिक्वेंसेज लाइक द पॉइजन, पॉइजनस कॉन्सिक्वेंसेज वी मस्ट फेस बाय लाइंग, बाय आवर डिसऑनेस्टी. दूसरी चीज हम देखते हैं यहां पर, We will put God into trials. Or these people, those who are dishonest, they will put God into trials, into test. ऐसे लोग परमेश्वर की परीक्षा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर को परीक्षा में डालते हैं. और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है Acts chapter 5, verse 8 and 9. और जहां पर लिखा हुआ पत्रस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया, है ना? देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं
और तुझे भी बाहर ले जाएंगे. एंड दैट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ पीटर एवर मेड बिफोर दैट, कि देख तुमने परमेश्वर की आत्मा को से झूठ बोलने के लिए इका किया. और इट्स काइंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ द पीपल दोज हु आर लायर्स, दोज हु आर डिसऑनेस्ट ऑन द वे ऑफ गॉड. और यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हमारे चारों तरफ रहते हैं अभी तो, कि जो ग्रुप बना लेते हैं अपने झूठ के लिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए. क्या होता है कि वो परमेश्वर के आगे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा करते हैं. वो देखते हैं कि क्या परमेश्वर सदा देता है कि नहीं देता, क्या परमेश्वर हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हैं परमेश्वर क्या कर लेगा, परमेश्वर क्या हमारा बिगाड़ लेगा. और फिर क्या होता है, जब इंस्टेंट जजमेंट नहीं होता तो वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाना शुरू करते हैं. और जब वो ग्रुप बना लेते हैं तो ऐसे लोग आपस में यूनिटी बना लेते हैं और निरंतर परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की परीक्षा करते हुए रहते हैं, करते रहते हैं ऐसे. और नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार की चीजें वो लोग परमेश्वर के दासों के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए, हमारे लिए जो हम परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, आपके लिए जो आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, ऐसा कहना शुरू करते हैं एका करके. और उनकी यूनिटी जो होती है मेरे अजीजों, उनकी यूनिटी इट इज वर्थलेस, इट इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के आगे. और यहां पर दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम गॉड. और ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से उन परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा उनको, कि जिसके खिलाफ उन्होंने बातें करी. और यहां पर साफ अनन्यास और उसकी पत्नी भी ढेर हो जाते हैं, है ना. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उनका लेखा लेने को आता है और वो मर जाते हैं. यहां पर एक मेटाफॉर मैं समझता हूं, दिस इज माय ओन इमेजिनेशन, कि जब इंस्टेंट वो होता है, जब जजमेंट होता है, तो क्या होता है कि हम जीवन से हम दूर हो जाते हैं, जैसे आदम हवा जीवन से दूर हो गए, जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था, जो अनंतकालीन था, जो कि सुहाना था, जो कि परमेश्वर के फुल ग्लोरी को रखता था. हम ऐसे जीवन से दूर हो जाते हैं, हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को खो देते हैं, क्योंकि हम झूठ और बेईमानी का सहारा लेते हैं. छोटी छोटी चीजें सेटल करने के लिए, छोटी छोटी चीजें हम लोग आपस में जोड़ने के लिए, हम परमेश्वर को, हम उसकी आत्मा से खिलवाड़ करते हैं, उसकी आत्मा को हम ठेस पहुंचाते हैं और हम उसको टेस्ट में डालते हैं. परमेश्वर पता है क्या कहता है यहाँ पे, परीक्षा लेने का क्या मतलब है. परमेश्वर कहता होगा, यार मेरी क्रिएशन ये है, मैंने इनको बनाया, ये मुझे जानते हैं और तब भी ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, और जानते हुए भी ये अनजान बन जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता या मुझे कुछ नहीं मालूम. तो क्या परमेश्वर के दिल को चोट नहीं पहुंचती होगी, होगी मेरे अजीजों, साफ होती होगी. और इसलिए हम जब डिसऑनेस्ट होते हैं, जब हम झूठ का सहारा लेते हैं, हम परमेश्वर को परीक्षा में डालते हुए हम खुद ही अपने जीवन से बाहर हो जाते हैं और परमेश्वर की ग्लोरी से हम बाहर हो जाते हैं. अजीजों, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट ourselves, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवर लाइव्स as well. हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है इंस्टेड ऑफ गॉड. परमेश्वर के एग्जामिन्स को तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं शैतान को बोलते हैं जब वो परीक्षा कर रहा था, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना. डू नॉट पुट योर गॉड योर लॉर्ड इनटू ट्रायल्स, इनटू टेम्पटेशन, इनटू टेस्ट. यू कैन नॉट, तू नहीं ले सकता. बट यू हैव टू रिवर योर गॉड, you have to bow down your head before God, you have to bend down your knees before God, ask God to come in along with his glory.
along with his blessings, and we will be the blissful persons along with our families when we have God in our lives. तीसरी चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं, such kind of liar, the such kind of dishonest people, they do worship God in vain. वो परमेश्वर की जो उपासना है ऐसे लोग व्यर्थ में करते हैं. और यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर ने कह रखा है, यहाँ पर कहते हैं मत्ती उसका 15वां अध्याय 8 से 9 वचन तक, Matthew chapter 5 verses 8 and 9. और यहाँ पर लिखा हुआ, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है. 9वां वचन कहता है, और ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं. कितनी बड़ी बात यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, ये मेरे धर्मोपदेशों को मनुष्यों की विधि करके सिखाते हैं. दैट मीन्स जो एक सेंट्रलिटी है परमेश्वर की हमारे जीवन के अंदर, उसको वो रिमूव कर देते हैं और परमेश्वर को वो अपने केंद्र बिंदु नहीं मानते, बल्कि अपने डिजायर्स को, अपनी चीजों को, अपने एम्बिशंस को वो सेंटर बना देते हैं. और यहां पर साफ कहते हैं कि वो मेरा आदर तो करते हैं, सिर्फ वो कहने के होते हैं, बल्कि उनका जो अंदर, जो इंटरनल बीइंग है, इनर बीइंग है, वो परमेश्वर से दूर होता है. और यहां पर सीधा यहां पर कहते हैं, ये मेरी उपासना तो करते हैं, है ना, they worship me, but वो उस चीज को मिसइंटरप्रेट करके दूसरों को सिखाते हैं कि देखो मनुष्य तो ऐसे करता है. और बाइबल में साफ लिखा हुआ है, वो अपने कान की खुजली के अनुसार चलते हैं. कान की खुजली के अनुसार वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखते हैं कि जिससे वो खुद सेटिस्फाइड हो जाए. मतलब परमेश्वर का जो वचन है, अजीजो इज लाइक दी नेकेड सोर्ड, जो गूदे गूदे को अलग करता है, भेद के रख देता है अंदर के कलेजे को. और परमेश्वर का वचन दिखाता है कि हम लोग कितने बड़े पापी हैं और कितना हमें यीशु मसीह अपने जीवन में जरूरी है. कैसे हम यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसकी पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें. वी वर्शिप हिम इन वे, हम उसकी आराधना को वेन में करते हैं, व्यर्थ में करते हैं. एंड दैट्स व्हाई द कमांडमेंट सेज, डू नॉट टेक माय नेम इन वे, तू अपने प्रभु परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लेना. Exodus chapter 20. और यहां पर हम कितनी बार परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में व्यर्थ लेते हैं, कितनी बार हम स्यूडो वर्शिप करते हैं. बल्कि हमारे मन में तो बहुत सारे चीजें होती हैं, अरे वो मुझसे आगे उठ रहा है, उसको कैसे मैं नीचे गिरा दूं, अरे वो आगे मुझसे बढ़ रहा है मेरी सर्विस के ऊपर, मैं कैसे उसको खत्म कर दूं, कैसे मैं उसको उसके रेपुटेशन डाउन कर दूं, मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं, उसके पास इतने ज्यादा पैसे कैसे हैं, खुदा इसके पैसों को छीन ले, अरे इसने मेरा बुरा किया, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका बुरा हो जाए. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उसी तो जो हम अपने मनों के अंदर विचारते हैं. हम इबादत करते हैं मगर ये सारी चीजें हमारे अंदर घर कर जाती हैं. और तभी लिखा हुआ है कि शैतान वहां पर हमारे जीवन से खेलना शुरू करता है. He plays with our lives. और वो हमें एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जो हमेशा हमेशा झूठ बोलता रहता है. The dishonest man or woman always grab the seeds of Satan only. वो शैतान के ही उन बीजों को अपने जीवन में लेंगे, परमेश्वर के बीजों को, परमेश्वर के वचन को वो अपने जीवन में नहीं लेंगे. और अगर लेंगे भी तो वो अपने फायदे के लिए, they will seek God for their own benefits instead of others.
परमेश्वर की उपासना करना अजीजों, उसकी वर्शिप करना, यही है कि हमारे एक्शन से परमेश्वर ऊंचा उठाया जाए, उसका नाम दूसरों तक आए, टेस्टिमनी आए। दूसरों की टांग तो हम बहुत खींच सकते हैं, दूसरों को हम गिरा तो सकते हैं, दूसरों की हम बेइज्जती तो कर सकते हैं, दूसरों को हम बड़ा बुरा तो बोल सकते हैं, मगर क्या ये करने से पहले हमने सोचा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या ये है? क्या परमेश्वर की इच्छा ये है? हमें ये सोचना जरूरी है। क्या परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन दिया या हमें दर्शन दिया ये करने के लिए या किसी को डाउन करने के लिए? ये हमें सोचना अजीजों जरूरी है, और तभी हम परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं, सच्ची उपासना कर सकते हैं। व्यर्थ नाम लेने वाले तो आपको हजार मिल जाएंगे, मगर सच्चे उपासक, सच्चे वर्शिपर कम होंगे। और उसकी पहचान कैसे होगी? When they have the blessings of God in their lives, in their families, जब परमेश्वर की आशीष उनके अंदर, उनके जीवन के अंदर पाई जाती है, वो झलकाया जाता है, वो दिख जाता है, परमेश्वर की ग्लोरी अलग से दिखती है। यही तो परमेश्वर है हमारा, महान परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। First John chapter 8 and verse 8 and 10. First John chapter 1 verse 8 and 10. We deceive ourselves and make God a liar. हम खुद को भी धोखा देते हैं और परमेश्वर को भी हम झूठा बना देते हैं। लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्यता नहीं है। And verse 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है, हम उसको भी झूठा बना देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स परमेश्वर की हम अपने अंदर लिए चलते हैं, और जब परमेश्वर के उन विशेषताओं को हम अपने जीवन में लेते चलते हैं, गुणों को, the virtues of God when we have in our lives, we are presenting globally our God to the world. But in what sense? हम किस सेंस में, किस तरीके से हम परमेश्वर को दुनिया को बता रहे हैं? क्यों कोई हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को, दूसरे जो लोग हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में माने? Who are we? What is our dignity? क्या हमारी डिग्निटी, क्या हमारी पहचान है परमेश्वर के अंदर? हम लोग अपने आप को भी धोखा देते हैं। हम कहते हैं हम तो बहुत righteous हैं, हम कहते हैं हम तो बहुत धर्मी हैं। We are the custodian of God's creation, we are the custodian of God's people, we are the custodian of God's house. But who are we from our inside being? इनर बी, हम अंदर से क्या हैं? हम लोग कहते हैं वी, हम कहते हैं कि हम कस्टोडियन हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं, मगर अंदर से तो हमारे पाप ही झलकता है, अंदर हमारे चिढ़ है, अंदर हमारा गुस्सा है, अंदर हमारा एक ढा है, द्वेष है, सब कुछ तो हमारे अंदर ही है। तो हम किस बिहाफ पे कहते हैं कि we are the custodians of God's creation, of God's universe, of God's house, of God's people? सबसे पहले हमें अपने अंदर से इन चीजों को निकालना जरूरी है अजीजों, क्योंकि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि आहा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है, मगर असल मायने में कुछ नहीं है, असल मायने में कुछ नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे साथ होती है, जब हम अंदर से शुद्ध होते हैं, बिकॉज गॉड नेवर एवर ड्वेल्स विद द सिन। वी नीड टू कास्ट आउट आवर सिंस, आवर ट्रांसग्रेशंस फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर इनर बीइंग, निकालना जरूरी है। परमेश्वर को लोग कैसे हमारे जीवन से जानते हैं,
ये इंपॉर्टेंट रखता है अजीजों। कहने को हम मिशनरी भी हो सकते हैं, कहने को हम परमेश्वर के दास भी, भक्त भी हो सकते हैं, मगर जब हमारे कार्यों के द्वारा वो चीज़ नहीं झलकाई जाती तो एक बुरी इमेज हम परमेश्वर की दूसरों के आगे रखते हैं। अरे ये ऐसा है तो उसका परमेश्वर कैसा होगा। सोचिए जब हमारे बच्चे भी जब बड़े होते हैं, जब वो हमारे एक कहते हैं कि फ्यूचर के वो हमारे तारे हैं, स्टार हैं, दे आर द फ्यूचर, द ब्राइट फ्यूचर स्टार्स, और जब वो अपने पेरेंट्स के उन इमेज को दूसरों के आगे रखते हैं, कैसे, जब तक कि उनमें संस्कार नहीं है। इसी तरीके से ये संस्कार हमारे मसीह जीवन में एक ईमानदारी के रूप में होना जरूरी है, और तभी तो हम अपने परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे दूसरों के आगे, वरना वो भी ये कहेंगे कि हमारे भी ऐसे हैं तो तुम्हारे भी ऐसे हैं, कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। दे विल कंबाइन एंड दे विल जॉइन आवर गॉड विद देयर ओन गॉड्स। हम लोग घमंड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है, ही इज अ किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, मगर आवर एक्शन, हमारा जो कार्य है इसको बोलना बहुत जरूरी है, और तभी हम परमेश्वर को एक अच्छे रूप में हम दूसरों तक रख सकते हैं अजीजों, वरना नहीं। फिर अगली बात जब हम देखते हैं, द डिसऑनेस्ट पीपल दे विल एक्ट लाइक द फैरिसीज। मैथ्यूज चैप्टर 23 वर्स 27 एंड 28 सेज, Jesus, you know, where Jesus says, and by scolding them and shows their inner being on their pretending nature. So sometimes we also act like this outwardly. We are spiritual righteous, but from inside still we are politicians, crafts to make others down, etc. etc. Yeshu Masih ne bhi muhim ko chheda tha. Yeshu Masih ne bhi bola tha Phariseeon ko ki tum andar se kya ho? You are like the White wash tomb, अंदर से तुम खाली हो, सिर्फ तुम में दिखावा है, सिर्फ तुम परमेश्वर को, तुम सिर्फ फोटो से उनका नाम लेते हो, बाकी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी बात नहीं है। तुम लोग दूसरों को गिराते हो ताकि तुम्हारी कुर्सी अच्छी बनी रहे। जीसस, यीशु मसीह ने भी उनकी चीजों को उनके सामने खोलकर रख दिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि यीशु मसीह को उन्होंने लायक कहा, यीशु मसीह को उन्होंने शैतान कहा, यीशु मसीह को उन्होंने मैजिशियन कहा, यीशु मसीह को क्या क्या नहीं उन्होंने बोला, गालियां दी, दाढ़ी के बाल नोचे, थप्पड़ मारे, कांटों का ताज पहना दिया। ये कॉन्सिक्वेंसेस यीशु मसीह ने भी झेले ईमानदारी के साथ और ईमानदारी तरीके से चलते हुए। मगर क्या हुआ, यीशु ने भी अपने चेलों को ये चीज सिखाई, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद डिसऑनेस्ट पीपल, विद डिसऑनेस्टी द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी व्हाटएवर। और यहां पर जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने उनको डांटा और कहा कि तुम लोग जो दिखावा करते हो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो और परमेश्वर की उपासना करो। डोंट बी एक्ट लाइक द फैरिसीज। और परमेश्वर यीशु मसीह आज हमें यही सिखाना चाहते हैं, डोंट बी एक्ट लाइक द फैरिसीज एंड सदूसीज, बिकॉज दे वर लाइक द वाइट वॉश टूम, बट हु आर वी? वंस अगेन द क्वेश्चन अराइजेस इन फ्रंट ऑफ अस, हम क्या हैं, हम क्या हैं? क्या हम चर्चेस के अंदर बहुत बड़े बड़े हैं, हम धर्मी हैं, अपने घरों के अंदर हम क्या हैं, क्या हम करते हैं अपने घरों के अंदर, किस तरीके से हम अपने लाइफ को जी रहे हैं, कैसे हम काम को कर रहे हैं, हम लोग क्या हैं? वो तो फरीसीज तो पॉलिटिशियन भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे,
अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करते थे, सत्य सच को दबा देते थे, हैं? तभी तो लोग नफरत करते थे उससे, और धर्म के अधिकारी थे, परमेश्वर के लोग थे। क्या करते थे वो, कैसे वो परमेश्वर को सामने प्रेजेंट करते थे, है ना? मनुष्य की धर्म को धर्म रीति बनाकर, और वो सिखाते थे कि तुम भी ऐसे ही करो, बचे रहोगे। मगर जब यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने सब चीजों को काट के रख दिया, सब चीजों को उन्होंने रिजेक्ट किया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही उद्धार है, उसके अलावा नहीं। डोंट एक्ट बी लाइक फैरिसीज, इनवाइट गॉड एंड वर्शिप हिम ओनली। हमें दूसरों की टांग नहीं खींचनी अजीजों, दूसरों को गिराना नहीं है, हमें उनके लिए दुआ करनी है, गिरेवों को उठाना है यीशु के नाम के द्वारा। और मैं आपको डेफिनेटली चैलेंज के साथ कहता हूं कि परमेश्वर बहुतायत से काम को करेगा, बहुतायत से काम को करेगा, ऑनर करेगा और काम को हमारे द्वारा करेगा। और आखिरी बात हम ये भी सीखेंगे, वी कैन नॉट, दैट डिसऑनेस्ट पीपल कैन नॉट बी सेव्ड। जो ईमानदार अपने जीवन में नहीं रहते, वो बचाए भी नहीं जा सकते। 2 Thessalonians 2:10 says, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखों के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। कितना अद्भुत बात यहां पे की गई है, उन्होंने सत्यता के साथ यानी सत्य के प्रेम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया, यीशु मसीह को उन्होंने अपना अपना शरीर को, अपनी आत्मा प्राण देह को नहीं दिया। एंड दीज पीपल कैन नॉट बी सेव्ड एट ऑल। और ऐसों का भाग स्वर्ग नहीं है, परमेश्वर की एब्सेंस है, जिसको हम हेल कहते हैं, जिसको हम नर्क कहते हैं। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो उद्धार पाएगा, वो रोशनी में चलेगा। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whoever will follow me shall never walk in darkness, John 8:12, they will receive the light of the life। क्या इस संसार में, जो कि अंधकार भरा संसार है, हमने परमेश्वर की ज्योति को पाया है? क्या हमने यीशु मसीह को सत्यता से अपने जीवन में ग्रहण किया है, या सिर्फ हम अभी भी बोलने वाले हैं, करने वाले कुछ भी नहीं हैं? या हम अभी भी अपने आप को राइटस प्रिटेंड करते हैं, जबकि अंदर से हम व्हाइट वॉश टूम हैं, अंदर से हम लोग खोखले हैं, खाली हैं? क्या हम ऐसे काम को करते हैं? वी कैन नॉट बी सेव्ड। Dishonest people cannot be saved if they say, यदि वे कहते हैं वो नहीं बचने वाले, क्योंकि उन्होंने यीशु को ना ग्रहण करते हुए उद्धार को खो दिया। जीसो यीशु को ग्रहण करना क्या है, क्या है यीशु को ग्रहण करना अपने जीवन के अंदर? यीशु को ग्रहण करना है कि अपना संपूर्णता, यानी द होलनेस ऑफ आवर लाइफ, टू बी सरेंडर इन टू द हैंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु को ग्रहण करना है। यीशु को ग्रहण करने का मतलब है कि पूर्ण संपूर्णता से यीशु के अधीन ही हो जाना, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के अधीन हो जाना, अपने परिवारों को उसके अधीन कर देना। क्यों आज घरों के अंदर लड़ाइयां हैं, मसीह समाज के अंदर मैं बात कर रहा हूं? क्यों पति पत्नी को मारता है, क्यों पत्नी पति को मारती है, क्यों डाइवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, क्यों जो पेरेंट्स हैं और जो चिल्ड्रन के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, क्यों वो लोग आपस में एक दूसरे से नहीं बनते, आपस में एक दूसरे पे चिल्लाते रहते हैं, क्यों आपस में मनमुटाव रहता है, क्यों ऐसा होता है? हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है।
मसीह समाज तो भाई परमेश्वर के लोगों का समाज है, वहां पे तो परमेश्वर की आशीष होनी जरूरी है, मगर कहां वो आशीष रुक जाती है, किधर वो आशीष चली जाती है और क्यों ऐसा जीवन के अंदर होता है, ये सब सोचने की आवश्यकता है अजीजों। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिए देता हूं। एक क्रिश्चियन फैमिली थी, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, जगह भी नहीं बताऊंगा। जब वो क्रिश्चियन फैमिली बहुत ही अच्छे तरीके से रहती थी, और वहां पर क्या हुआ, एक जो उनके फादर थे है ना, वो बहुत ही अच्छे, वो उसमें सिक्योरिटी थे, सिक्योरिटी गार्ड थे रेलवे के अंदर, बहुत ही बढ़िया फैमिली थी, बढ़िया अर्निंग्स थी, सब कुछ बढ़िया था। बस एक छोटी सी बात ने, एक छोटे से बीज ने जब शैतान ने उनके जीवन में कार्य किया, पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया। और अजीजों यकीन मानिए, अभी तक वो परिवार नहीं समझ पाया। जो फादर है वो पैरालाइज होके पड़े हुए हैं, जो मदर है वो ऐसे ही हैं, बच्चे जॉबलेस हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। और जब मैं अपनी जगह पे गया छुट्टियों में, तो वो आए क्योंकि एक अच्छी एक जान पहचान थी, और जब उन्होंने मुझसे बात करी, उनके बेटे ने, और वो बहुत फूट फूट के रोए और कहा कि शैरन ये कहाँ पर ये बात अटकती है आके, हम इतनी मेहनत करते हैं कुछ नहीं होता है, आपस में पूरा परिवार तितर बितर, पूरा टूटा हुआ, यानी शैतान ने पूरा तोड़ के रख दिया उस परिवार को, क्या करें क्या नहीं करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, हाउ कैन वी प्लीज गॉड। मैंने बोला एक चीज बोली, डिड यू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड अलॉन्ग विद योर फैमिली, डू यू प्रे continuously, did you invite God in your life, did you invite Jesus Christ, did you invite Holy Spirit in your life, or still are you doing this all bad habit, bad things in front of God? क्या तुमने परमेश्वर को आमंत्रित किया, क्यों क्या अभी तक तुम उन चीजों को कर रहे हो जिस चीजों की वजह से तुम्हारा परिवार शैतान ने तोड़ दिया। रोया बिलखा, अपने अपने दिल से पश्चाताप किया होगा, क्योंकि मन की बात तो मैं किसी की जानता नहीं। और आज नतीजा यह है, पूरे 5 या 6 महीने बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करना शुरू किया और परिवार को वापस रियूनाइट किया, वापस जोड़ा। नौकरी तो भली चली गई, कोई बात नहीं, मगर इतनी अर्निंग्स भी नहीं है, वो भी कोई बात नहीं, मगर उनका कन्फेशन है कि शांति, सबसे बड़ी जो शांति है वो उनके जीवन में है। अजीजों मैं यही कहता हूं, और यही ये बाइबल स्टडी का पार्ट था, ऑनेस्टी, कि ऑनेस्टी अगर हमारे जीवन में है, और ऑनेस्टी डिफरेंट डिफरेंट वेज से जब हम परमेश्वर को दिखाते हैं, तो क्यों परमेश्वर काम हमारे जीवन में नहीं करेगा, करेगा। वी नीड टू ट्रस्ट इन हिम, हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे नहीं है अजीजों, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं दे देते। हम लोग खरे भी बनेंगे, हम लोग सच्चे भी बनेंगे, हम लोग ज्योति में भी चलेंगे, हम लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को भी हम एक ब्लेसिंग के रूप में अपने जीवन में हम महसूस करेंगे, और सबसे बड़ी शांति हमारे जीवन में परमेश्वर की पाई जाएगी। ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं अजीजों, जहां पर मसीह तो हैं, बड़े बड़े घरों के अंदर हैं, दे आर वेल सेटल्ड, मगर शांति उनके जीवन में नहीं है। रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे हमें पूछते नहीं हैं, कहते हैं मेरा पति दारू बहुत पीता है, मुझे मारता है, कहते हैं कोई भी सेटिस्फेक्शन हमारे जीवन में नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी हमारे जीवन में नहीं है,
मेरे पापा जहाँ मिनिस्ट्री करते हैं, जब वो आते हैं तो वो बताते हैं, लोग अपने जीवन को खोल के रख देते हैं और पापा उनके लिए दुआ करते हैं. माई फादर ही प्रे फॉर देम. और सच्चा जो उनका पश्चाताप होता है, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है, बिकॉज दे आर विटनेस्ड ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. वॉट दे हैव सीन, वॉट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड. In my conclusion, our salvation, our every good thing belongs to God. It comes from God, and we need to surrender ourselves in an honest way, and later on or afterwards we can receive God's power, God's peace, God's harmony, God's solidarity, God's unity in our lives. Those who are not correct, those who are dishonest, we should pray for them instead of curse, instead of condemning them. No, we should pray for them. We should uplift them spiritually in our prayers all the time. अपने लिए तो हम बहुत प्रार्थना कर लेते हैं, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए भी हमें करना जरूरी है, ताकि वो लोग परमेश्वर के प्यार को जाने, वो लोग परमेश्वर के प्यार को अपनाए, माने. Honestly, I am telling you, my friends, if we are honest in front of God, that whatever we have, the bad habits, whatever we have, the problems, God is there to remove these all hurdles, these all obstacles in the form of problems, in the form of suffering from our lives. And He will bless us abundantly because it is the God's will. When we go near to God, He will come near to us. The back-to-back response we need to give to God Almighty. The back-to-back response. Are we doing this? क्या हम ये कर रहे हैं? कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे. अगर नहीं कर रहे, then we need to introspect. We need to examine our lives, our day-to-day life in front of God. We need to pray. हमें प्रार्थना की आवश्यकता है. And most importantly, we need to live our life in an honest way. हमें परमेश्वर के आगे ईमानदारी से जीना है. Whether the consequences will be, it doesn't mean for us. But our God is greater than these all things. परमेश्वर इन सबसे हमारा बड़ा है. So we must surrender ourselves to God. We must come into His presence with supplications, with prayers, along with our families. And most important part is, we need to pray for others, and we must be the channels of blessings for them as well, through prayers. Let us bow down our heads and close our eyes before God, and may God bless us by hearing this Bible study. परमेश्वर हम सबको आशीष दे इस बाइबल स्टडी के द्वारा, जो कि हमने तीन पार्ट्स के अंदर ऑनेस्टी को देखा. और परमेश्वर हदायत से काम करे, एंड दिस विल बी डन इन आवर लाइव्स, एंड वी मे वॉक अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड ऑन द पाथ. मे गॉड ब्लेस अस ऑल अबंडेंटली. लेट अस प्रे. धन्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया. एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं. हमें सिखाइए पिता कि हम आपकी इच्छा के अनुसार जीने वाले हो सके, अपने जीवन को चलाने वाले हो सके, और आपको हम अपना आधार माने, आपको अपना केंद्र बिंदु माने पिता, और आपका कार्य हमारे जीवन में होता है.
ये जो बाइबल स्टडी पिता हम में से हर एक के जीवन में काम करे और एक अच्छे बीज की नाई ये फलवंत हो और हम 100 गुना फल आपके आपकी प्रेजेंस के अंदर आपकी उपस्थिति के अंदर लाने वाले हो सके। संपूर्ण आदर महिमा खुदावन खुदा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मनोमारक नाम के मानते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए और परमेश्वर के आप समीप आइए, परमेश्वर से दुआएं कीजिए ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करते। धन्यवाद।